आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी ज़रूरत है। आज मैं फ्रेंड्स आपको रतन टाटा जी के कुछ विचार ऐसे बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी खुद की जंग ही इसे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे बर्बाद कर सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी रेखा का मतलब होता है कि हम जीवित नहीं हैं। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, हमेशा इसे गंभीर मत बनाइए। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो आप उन पत्थर का उपयोग अपना महल बनाने में कर लें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा करने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। जीवन में सिर्फ अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिए। हमारी गलती सिर्फ हमारी है, हमारी असफलता सिर्फ हमारी है। किसी को इसका दोष नहीं देना चाहिए, हमें गलती से सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने रहना चाहिए। दुनिया में इंसान सिर्फ एक मोबाइल के रिचार्ज जैसा है जो अपनी वैलिडिटी के बाद ख़त्म हो जाएगा। हर किसी की वैलिडिटी है, अगर आप भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में सिर्फ 2500 सप्ताह होते हैं, क्या तब भी आप सिर्फ काम ही काम करने की ज़रूरत है? जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए कि खुशियाँ हमसे दूर रहे। दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी नहीं चिढ़ाना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं फैसले लेता हूँ और उन्हें फिर साबित कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो रतन टाटा जी के द्वारा कही गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बातें पसंद आई होगी और आपको आप अपने जीवन में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।